फाइनली जे उसो ने अपना पहला सिंगल टाइटल रन जीत लिया काफी लंबे टाइम बाद। WWE काफी कम टैग टीम चैंपियंस है जो सक्सेस हुए सिंगल्स रन में, उन्हीं में से आज एक जे उसो है जिन्हें लोग पागलों की तरह पसंद कर रहे हैं। जे उसो मर्चेंडाइज बिकवाने के मामले में भी टॉप पर है और बेस्ट एंट्रेंस के मामले में भी रोमन रेंज से काफी ऊपर है और इसलिए WWE ने जे उसो को सही टाइम पे चैंपियन बनवा दिया। पर जे उसो का IC टाइटल रन नवंबर से पहले एंड हो सकता है क्योंकि नवंबर में सर्वाइवर सीरीज होने वाली है और WWE इस पेपर व्यू में रोमन रेंज की ब्लड लाइन वर्सेज सोलो सुको की ब्लड लाइन करवाने वाली है। तो जे उसो पक्का रोमन रेंज की ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे जिम्मी उसो के साथ, इसलिए जे उसो का टाइटल रन सिर्फ एक महीने के अंदर WWE एंड करवा सकती है। तो रोमन रेंज के रिटर्न के बाद सबको उम्मीद थी कि हमें फेस रोमन रेंज देखने को मिलेगा, पर अभी जिस तरह रोमन रेंज प्रोमो दे रहे हैं स्मैकडाउन के अंदर उसे देखकर साफ नजर आ रहा है कि अभी भी रोमन रेंज हील कैरेक्टर में है क्योंकि रोमन रेंज ने कोडी रूड्स को चैलेंज कर दिया। कोडी रूड्स एक फेस सुपरस्टार है और रोमन रेंज ने कोडी रूड्स को चैलेंज करके क्लियर कर दिया है कि वो अभी भी हील रोमन रेंज है। रिसेंटली हुए स्मैकडाउन में रोमन रेंज ने खुद से कहा था कि वो अभी भी पुराने वाले हील रोमन रेंज है। WWE ने रोमन रेंज का रिटर्न एक फेस सुपरस्टार के साथ कराया था जिसमें कोई शक नहीं क्योंकि रोमन रेंज ने SummerSlam के बाद वाले स्मैकडाउन में काफी सारे फैंस के साथ हाथ मिलाया था और ये एक फेस सुपरस्टार की निशानी है। पर अभी जो रिसेंटली स्मैकडाउन हुई उसमें रोमन रेंज ने पूरा हील वाला काम किया और रियली में पब्लिक को यही वाला रोमन रेंज चाहिए जो किसी से नहीं हारता। तो WWE एक ही टाइम पे रोमन रेंज को हील प्लस फेस दिखा सकती है जैसे रैंडी ओटन को दिखाया था 2021 में। तो केविन ओन्स वो सुपरस्टार जो पिछले 4 सालों से लगातार ब्लड लाइन के साथ फ्यूड में रहे हैं पर अभी तक WWE ने केविन ओन्स का हील टर्न नहीं कराया। पर रिसेंटली हुए स्मैकडाउन में WWE ने टीज देना स्टार्ट कर दिया कि केविन ओन्स काफी जल्द अपना हील टर्न करने वाले हैं। बस देखना होगा आखिर केविन ओन्स किसको पर अपना हील टर्न करेंगे।